तुहानू पता ही है जी भी 18 ते 19 दी रात नू ए डिवीजन दे विच एक गलती नाम दा जिहड़ा व्यक्ति है उहनां दे घर ते उत्ते फायरिंग हो गई सीगी और उस तो बाद सोशल मीडिया ते वख-वख इंटर गैंग राइवलरी टाइप जिहड़ी है चीज़ उह इमर्ज होई सी। सो साडी जिहड़ी मानयोग सीएम साहब दी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट गैंगस्टर्स उहदे तहत साडी टीम ने दिन रात मेहनत की और असी इहदे च बंदे जिहड़े आइडेंटिफाई किए पहला और उस तो बाद उन्हां दी ट्रेल ते जदों जा रहे सी ते उन्हां दा एक्सचेंज ऑफ फायर होया जिथे पुलिस ने एनकाउंटर होया अज सवेरे सुल्तानविंड दे एरिए च। तो उहदे च इक बंदे दे जख्मी होया जिहड़ा मुलजम सी, दूसरा गिरफ्तार होया। इहदे जिहड़ी हुण तक दी तफतीश च आया कि दो वॉन्टेड शूटर सी, रेशम सिंह एलियस बाऊ, ये झबाल एरिए दा रहिण वाला, रेशम सिंह एलियस बाऊ, दूजा हैगा गुरविंदर एलियस गुरी जिदे गोली लगी है। और ये दोनों बंदियां ने जाके दो होर अपने साथियों नाल जिहड़ा जिहड़ा इंसीडेंट सी ए डिवीजन दे एरिए रामबाग दे उत्थे उन्हूं अंजाम दित्ता सी। सो मैं इहनूं बड़ी अच्छी कामयाबी मंगदा और सारी टीम नूं मुबारकबाद दिंदा कि जिहड़ी साडी इन्वेस्टिगेशन है बहुत फास्ट ते वधिया तरीके नाल उन्हूं निभाया गया और एक केस ट्रेस भी होया ते बंदे भी अरैसट होए। जिहड़े दूसरे दो बंदे है वह भी जल्दी अरैसट होण किते जाणगे। इहदे च जिहड़ी रिकवरी हैगी आ, एक ग्लॉक पिस्टल है बड़ा सोफिस्टिकेटेड और उहदे नाल एक 32 बोर का भी पिस्टल हैगा, इहदे नाल 13 राउंडस ने और इहनां दे उत्ते जिहड़ी पिछली हिस्टरी है रेशम सिंह एलियस बाऊ जिहड़ा मेजर सिंह का बेटा झबाल कलां का, 4 FIR दर्ज ने आर्म्स एक्ट डकैती ये तरन तारण, जीरा, लुधियाणा ते अमृतसर दे विच ने। इस तो अलावा गुरविंदर जिहड़ा गुरी है इहदे खिलाफ़ भी 5 डकैती दे मामले ने, आर्म्स एक्ट का मामला लुधियाणे दे विच ते तरन तारण दे विच। ये जिहड़ा कंप्लेनेंट इस केस च हैगा वह जसदीप एलिया साजन है और तुहानू सारयां नू पता है कि सुंदर नगर दे विच उह वारदात होई सी। सो एक एप हैगी है। अच्छा सर, सवेरे जिहड़ी इंसीडेंट होया उहदे विच किन्नी क गोलियां चलियां ने ते किस तरीके नाल होया? देखो गल इह जदों मुलजम नूं घेरदे आ तुहानूं पता कि जिहड़े वैल आर्म्ड क्रिमिनल्स हुंदे ने उह अपने डिफेंस वास्ते भज्जण दी कोशिश करदे ने, पर साडी टीम सतर्क सी और सफिशिएंट फोर्स सीगी। उहदे च ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, रिटेलीएट किया और उहदे च जिहड़े दोनों मुलजम काबू किए गए। नहीं उतो अपना जा रहे सीगे ना जी, जिहदा देखो मुलजम जिहड़ा है वह कोई ना कोई अपने टिकाने बलदा रहिंदा और पुलिस का काम है उन्होंने असी ट्रेस करके चेज करना। तो पुलिस फंड नहीं जा रही थी उन्होंने, ऑन इनफॉर्मेशन बेस्ड इंटेलीजेंस बेस्ड साडा ऑपरेशन सीगा, असी उन्होंने फंड वास्ते ही पुलिस पार्टी उन्होंने पिछा कर रही थी। यार वो तुहानू सारी असी डिटेल दे प्रेस दस रहे हैं, मेरे दोस्त बार बार मैनू प्रेस कर रहे भी हिंदी च भी दे दिओ, मैं एक एक मिनट कर देना इन्हां नूं। हाँ हिंदी च कर देने वो डिटेल सारी दिने जी, हुण टोटल दे देने। देखो अपन उस दिन तो क्लीयर पता है कि जो रिस्पोंसिबिलिटी लई गई सी वो इंटर गैंग राइवलरी टाइप जिहड़ा इंसीडेंट है। हुण इहनां दी देखो पुछगिछ है, बंदा हॉस्पिटल च है और दूसरी यदि पूछगिछ हो रही है तुहाडे नाल शेयर की जाएगी इमीजिएटली सारी ये कार्रवाई। डेफिनेटली जी उन्होंने पहला किया ता ही असी जिहड़ा अटैम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया, दोनों साइड तो फायरिंग हुई है और उहदे च वो इंजर्ड होया। मैं एक इमीजिएटली कर दी है जी।